Hello students welcome to my youtube class and in today's class we will go through two topics subphylum of chordata and classes of vertibreta under the chapter animal kingdom what are the subphylums of chordata the subphylums of chordata are eurochordata cephalochordata and Vertebrata.

बोलते हैं और ट्यूनिक कैसे बना है ट्यूनिक सीन से बना है जो कि सलोद होता है नेचर में दे आर मरीन एंड दे आर ससाइल एंड दे आर फिल्टर फीडर्स ये उनके तीन अलग अलग फीचर्स हैं कि दे आर मैरीन मीन्स दे लाइक टू लिव इन मरीन वाटर दे आर ससाइल एंड दे आर फिल्टर फीडर्स नोटोकॉड इज प्रजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा वेर एज इट इज गेट डिसअपियर्ड इन द एडल्ट वन तो ये शो करता है कि जो लार्वा है वो एडवांस्ड है एडवांस्ड इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स मतलब उसके, उसके पास एडवांस्ड फीचर है उसके पास नोटो है जो कि एडल्ट के पास नहीं है नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वा बट रिप्लेस बाय डोर्सल नर्व गैंगलियन इन एडल्ट और नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन जो ऑर्गेजम्स हैं यूरोडाटा के है वो इन डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं एंड द लास्ट पॉइंट इज दे सो रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस और एग्जाम्पल है हारमानिया सी स्क्वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं अब मेटामोरफोसिस की बात करेंगे तो व्हाट इज द मेटामोरफोसिस तो मेटामोफोसिस क्या है मार्क्ड एंड मोर और लेस एड्रक डेवलपमेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स ऑफ द एनिमल ऑक्रिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज मेटामफोसिस और सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं मीन्स कि जो यंग वन है वो पेरेंट्स को रिसम्बल नहीं कर रहा है और यंग वंस लार्वल फॉर्म से होता हुआ अपने पेरेंट्स को रिसम्बल करेगा तो ये जो साइकिल है लार्वल फॉर्म्स का उसके लाइफ साइकिल में वो दैट ऑल इज़ कॉल्ड एज मेटा अब मेटामोर्फोसिस दो तरह का होता है एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस और एक होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस तो यूरोडेटा जो है दे सो रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस रेट्रोग्रेसिव मेटामोस मीन्स होता है कि यहाँ पे जो लार्वा है वो एडवांस्ड रहेंगे एडवांस्ड फीचर के साथ रहेंगे और एडल्ट में वो एडवांस्ड फीचर डिसअपियर हो जाएगा तो मीन्स लार्वा एडवा एडवांस्ड हैं और एडल्ट एडवांस्ड नहीं है तो रेट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस जैसा कि हमने पढ़ा कि लार्वा में नोटोकॉर्ड है और एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है इसका मतलब लार्वा एडवांस्ड है और एडल्ट एडवांस्ड नहीं है दूसरा होता है प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस मतलब होता है कि जो एडल्ट है वो एडवांस्ड है और लार्वा एडवांस्ड नहीं है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में जो टैडपोल आता है वो उतना एडवांस्ड नहीं है जबकि फ्रॉग बहुत ज़्यादा एडवांस है उसके पास ढेर सारे फीचर्स हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस या फिर एक और लाइफ साइकिल लेते हैं हम लोग ले लेते हैं लाइफ साइकिल बटरफ्लाई का तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में जो लार स्टेजेस हैं वो एडवांस्ड नहीं है जबकि बटरफ्लाई के पास एडवांस्ड फीचर्स हैं तो एडल्ट वहाँ पर क्या है एडल्ट जो है वो एडवांस्ड है इसलिए वहाँ पर कहेंगे हम लोग प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस और यूरोकॉर्डेटा में कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटा मरफोसिस सिफेलोकोडेटा सिफेलोकोडेटा के जो भी ऑर्गन हैं वो मैरीन होते हैं और फिल्टर फिटर्स होते हैं नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट अप टू तो स्नाउट एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ नर्व कॉर्ड प्रजिस्ट थ्रू आउट द लाइफ बट नो ब्रेन इज फॉर्म और एग्जाम्पल है ब्रांकीोस्टोमा और द लास्ट वन वर्टिब्रेटा तो वर्टिब्रेटा के जो फीचर्स हैं वो हैं बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड नेक ट्रंक एंड टेल दे आर हैविंग टू पेयर्स ऑफ अपडेज जो हमारे दो हाथ हैं और दो पैर हैं तो दीज आर टू पेयर्स ऑफ अपेंडिजिज जिसको हम लोग फोर लिम्ब और हिंड लिम्स भी बोलते हैं तो दीज आर द टू पेयर्स ऑफ अपडेज द बॉडी इज कवर्ड विद स्किन एक्सो कटन इज मेड अपराटीन इट कंसिस्ट ऑफ स्केल्स फिदर्स और हेयर्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट हार्ट इज प्रजेंट इन दर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेटा बट दर्ट मे बी ऑफ टू चैम्बर्स इट मे बी ऑफ फोर चैम्बर्स नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड किडनी इज वेल डेवलप्ड फॉर एक्सप्रूशन इन वर्टिब्रेटा एंड द सेक्स आर सेपोरेट वन क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेटा हमको वर्टिब्रेटा में कौन कौन से क्लासेज पढ़ने हैं तो पहला है क्लास साइक्लोस्टोमाटा, दूसरा है क्लास कॉन्डिचेटिस थर्ड है क्लास ऑस्टिचेटिस देन क्लास एम्फेबिया देन क्लास रेप्टिलिया क्लास एव्स एंड क्लास मेमेलिया। तो वर्टिब्रेटा जो है इन सभी क्लासेस में डिवाइडेड है इन सभी क्लासेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स अ लॉट